हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मयंक करता हूँ वेलकम क्लास के अंदर। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डेरिवेशन करने वाले हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल की बात करने वाले हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में हर साल आते हैं 5 नंबर। तो गाइस करते हैं शुरुआत, कहानी देखते हैं क्या होने वाली है आज की। बता दो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बच्चों हम बात करने वाले हैं, जैसे आप दिख रहे हैं बच्चों। तो गाइस हम लोग बात करते हैं द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या फील्ड आती है, उस फील्ड की बच्चों हम बात करने वाले हैं। तो इसको बात करने से पहले हम ये समझेंगे डायपोल कैसे बनता है, डायपोल की कहानी क्या है वो हम समझते हैं पहले। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके डेरिवेशंस पे, क्या इसकी कहानी होती है, एक एक चीज हम समझने वाले हैं। बच्चों बात करें क्या, बच्चों एक चार्ज हमने लिया प्लस क्यू चार्ज लिया है ना, और एक दूसरा हमने चार्ज लिया माइनस क्यू। और आप भी जानते हैं प्लस और माइनस बहुत ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं, समझिए बात को। तो मान लो एक प्लस क्यू और माइनस क्यू बहुत कम डिस्टेंस पे है, सपोज करीब प्यारे बच्चों ये टू वे डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया, इनके बीच में टू वे डिस्टेंस जो कि बहुत कम है गाइस, इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। मतलब क्या, व्हेन टू चार्ज है, और मतलब अनलैक चार्ज बोल सकते हो, व्हेन टू अनलैक चार्ज है सेपरेट बाय मिनिमम डिस्टेंस है ना, और जो सिस्टम बनता है दैट इज नोन एज अ डाइपोल। ओके बच्चा बाड़ी, क्लियर है। ये मैंने लिया प्लस क्यू, ये लिया बच्चा मैंने माइनस क्यू, समझ बात को। अब बच्चा बाड़ी एक वर्ड होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की बच्चों बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पी बोलते हैं, पी डाइपोल मोमेंट को बच्चों पी बोलते हैं। अब जब इसका मतलब क्या होता है, एक किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, मतलब मेरे पास एक प्लस क्यू है एक मेरे पास माइनस क्यू है, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज टू है, बोलो हाँ है ना। पता लोग ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल। पता लोग मैंने आपको भी ये डायरेक्शन नहीं बताई है, डाइपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, मतलब क्या होता है क्यू इंटू टू है, मतलब क्यू इंटू एक चार्ज प्लस क्यू एक चार्ज माइनस क्यू, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज टू है। तो डाइपोल क्या मिलेगा, क्यू इंटू टू है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब बताइए इसकी यूनिट क्या बनेगी, डायपोल की यूनिट क्या होगी। देखिए आप सर, चार्ज की होती है कूलाम, डिस्टेंस की होती है मीटर, बच्चों के बनेगा कूलाम इनटू मीटर, बोलो हाँ यार, हाँ परफेक्ट है। अब चलो आपने इसकी यूनिट निकाल ली, बताइए डायमेंशन क्या आएगी। सर सिंपल सी बात है सर, डायमेंशन होती है आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है, तो यहां से क्यू की डायमेंशन बोलो क्या आएगी। सर ये बनेगा एम्पियर इंटू टी वन टाइम, और मीटर बनता है एल वन, मतलब डायमेंशन मिल जाएगी बोलो क्या, मास नहीं है एम जीरो एल वन टी वन एन ए वन। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग डायपोल मोमेंट के बच्चों डायरेक्शन भी लिख पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखिए मतलब डायमेंशन। अब चलो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, मतलब मैं क्या बोलूं बड़ा, जो डायरेक्शन होगी दैट इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब डायरेक्शन ऑफ डायपोल ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल की बच्चों होती है डायरेक्शन। अब बच्चों देखते हैं क्या इसकी कहानी बनती है, कैसे क्या होने वाली है, सिस्टम को समझते हैं और चलते हैं आगे। इस क्लास को मिस मत करिएगा, पूरी एंड तक देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डू इट फास्ट बच्चा बाड़ी। ओके गाइस चलते हैं हम लोग, बच्चा लोग दिख रहा है आपको फोर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, मतलब बच्चा बाड़ी क्या, एक डायपोल दिया होगा उसके एक्सिस पर आपने एक पॉइंट अज्यूम करना है, और उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों बात करनी है, ऐसा इस क्वेश्चन ने बोला है, मतलब इसी का डेरिवेशन। बच्चों मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं यहाँ माइनस क्यू चार्ज अज्यूम करता हूँ है ना, मैं यहाँ बच्चों क्या बोलता हूँ कि ये माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, और यहाँ बच्चों प्लस क्यू चार्ज है ना। चलो ये इसका सेंटर मैंने अज्यूम कर लिया, सेंटर है, डिस्टेंस बहुत कम होगी बट आपको देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा है, डिस्टेंस बहुत कम है इनके बीच का, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, और चलो ये डिस्टेंस दिया हुआ है टू ए। ओके बिल्कुल सही बात है, और सर ये डिस्टेंस बोलो क्या होगा दैट इज ए, और चलो ये भी क्या होगा, ये भी ई होगा, सर परफेक्ट वाली बात है। देखो चलो जब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस टू ए है और मैंने उनका एक मिड पॉइंट अज्यूम किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये भी ई होगा ये भी ई होगा। अब चलो ये इसका एक्सेस है, बोलो हाँ है ना, बच्चा लोग ये इसका एक्सेस है, और क्या बोला है, फोर पॉइंट्स ऑन द एक्सेस, जिस एक्सेस पर मान लो आपने एक पॉइंट रख दिया वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों बात करनी है,
चलो मैं काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट को यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज करो बेटा ये पॉइंट है, यहाँ ये मेरा ए पॉइंट है ना। इस ए पॉइंट का डिस्टेंस जाहिर सी बात है मुझे कहीं से लेना पड़ेगा, तो मैंने सेंटर से इसको आर डिस्टेंस में एज्यूम किया है। आर डिस्टेंस में मेरे प्यारे बच्चों ये ए पॉइंट है, और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चलिए देखते हैं क्या गुंजाइश है, क्या हम इसमें कर सकते हैं। काम करता हूँ इसको यहाँ मार दूंगा, तो इस ए पॉइंट को मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, दिख रहा है आराम से। चलो अब बच्चा भाई माइनस क्यू क्या करेगा, बताओ मान लो यहाँ अपन ने काम करो ए पॉइंट पर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और मैंने इस सेंटर से आर डिस्टेंस माना है इस पॉइंट का, तो जाहिर सी बात है माइनस क्यू से जो डिस्टेंस होगी दैट इज ए प्लस आर, और माइनस इसको अपनी तरफ बुलाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विल बी के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सर ये आपने कैसे लिखा, तो मैं जानता हूं एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो माइनस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, इस ए पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना है दैट इज आर और दैट इज ए, तो आर प्लस ए, तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस है पास बुलाएगा तो फील्ड उसकी तरफ होगी, प्लस उसको दूर भेजेगा तो फील्ड क्या होगी ई प्लस क्यू कितना होगा, तो That is K Q upon, पता लो कि distance होगा, देखो पूरा R है ये A है, पता लो कि ये बच्चे का R minus A, तो R minus A का whole square, बच्चा लोग यही होने वाला है, बच्चा लोग हाय ना बोल दो, इसका मतलब देखो एक फील्ड इस तरफ है एक फील्ड उस तरफ है, मतलब मैं बोलूं क्या कौन सी फील्ड आपको दिख रही है ज्यादा। सर देखो एक फील्ड दिया है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, और एक तरफ के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, बताइए कौन सा ज्यादा है। सर के क्यू कॉमन है दोनों में, अब ये आर प्लस का होल स्क्वायर एज कम्पेयर टू आर माइनस ए का होल स्क्वायर तो ज्यादा आएगा, जब ज्यादा का डिवाइड दोगे सेम चीज में तो वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये चीज ज्यादा होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता क्या आएगी, सर देखो जरा सर हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सर जी ई नेट, इसको हम ई बोल रहे ई है, दैट इज के क्यू KQ EA है ना, KQ upon R minus A का whole square minus KQ R plus A का whole square। आप खुद सोचिए एक फील्ड राइट में है एक फील्ड लेफ्ट में है, राइट वाली फील्ड ज्यादा है लेफ्ट वाली कम है, तो नेट विल बी इन राइट। अरे हाना बोल दो यार, हाना बोलते रहो मेरे भाई, जब तक हाना नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा पता कि चल रहा है मामला ना मेरे भाई। चलो यहां से सर KQ हमने कॉमन लिया, क्या बनेगा बोलो बेटा, ये बनेगा R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर आएगा। सर बिल्कुल कतई सही बोल रहे हो आप, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है सर। हाँ सर बेटा, सर KQ लिया, सर LCM लो, सर R माइनस A का होल स्क्वायर और सर जी R प्लस A का होल स्क्वायर LCM आएगा, मैंने कहा बिल्कुल आएगा कोई बड़ी बात नहीं है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो पता क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको R प्लस A का होल स्क्वायर मिलेगा और माइनस बच्चों क्या आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर आएगा। यस और नो, आई होप बच्चा पार्टी आपको चीज क्लियर होगी। अभी बच्चा पार्टी मैं इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करता हूँ कि क्या कहानी है। चलो एक स्टेप में ही लिख लेता हूँ, के क्यू इसको ओपन करें तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर अपॉन वैल्यू क्या आएगा, अपॉन क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बच्चों होल स्क्वायर भी आएगा, क्या मिलेगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा होगी, देखो r माइनस है r प्लस है का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके बच्चों देखो ये स्टेप कट गया, इसको मैं आगे लिखता हूँ क्या मिलेगा। सर देखो ये मिलने में क्या मिला, E नेट A हमें क्या मिलने वाला, देखो जरा के क्यू मिला ऊपर और ये फोर कितना फोर सॉरी सर ये देखो टू ए आर एंड टू ए आर फोर ए आर मिला फोर ए आर फोर ए आर और सर जी नीचे क्या मिला था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है पता क्या आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर लगभग हमारा बच्चों जीरो हो जाएगा एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर,
चलो क्या मिलेगा, ये मिलेगा के क्यू फोर ए आर अपॉन, बच्चों ये आर की पावर फोर हो जाएगा, कैसे हुआ सर, ए स्क्वायर को जीरो कर दीजिए, कर दिया सर, जब ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा और उसका होल स्क्वायर है, सॉल्व करिए बच्चों, ये मिलेगा के क्यू फोर ए अपॉन आर क्यूब आएगा, परफेक्ट, हाँ सर परफेक्ट। अब चलो बताओ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायपोल में क्या आएगा सर, डायपोल मोमेंट क्या होता है बताओ सर, सर डायपोल मोमेंट होगा पी बराबर होगा क्यू इंटू टू ए होगा, है ना, तो एक काम करते हैं क्यू इंटू टू ए बनाते हैं, इसके अंदर क्या मिलेगा देखो, टू के क्यू इंटू टू ए अपॉन आर क्यूब, बोलो हाँ है ना, कैसे क्या बोलती पब्लिक, क्लियर है क्या सर, देखो ये टू ए इंटू टू हो जाएगा फोर और सर क्यू इंटू टू हो जाएगा पी, बोलो हाँ है ना बेटा, यहाँ मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल विल बी टू के पी अपॉन आर क्यूब, बोलो हाँ है ना, और पता है इसका फील्ड का डायरेक्शन भी कहां से कहां आया था, एक्सियल में माइनस क्यू टू प्लस क्यू आया था कि नहीं आया था, इसका मतलब इन केस ऑफ एक्सियल है ना, मतलब डायपोल के एक्सिस पे आप रखेंगे तो जो डायरेक्शन डायपोल की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, ये मुझे मिल गया, बोलो हाँ यार, ये तो डायरेक्शन में तो मुझे यही से मिल गई थी, देखो आप सर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ जाइए मतलब आगे की तरफ गई है, तो उसी तरफ तो था माइनस से प्लस की तरफ कौन था, डायपोल भी था, मतलब सेम इन डायरेक्शन है, ओके बच्चा बारी नोट कर लीजिए, बच्चा लोग नोट करते रहे, नोट्स बनाते रहे, है ना, और फुल मार्क्स लेके आने वाले हैं हम लोग एग्जाम्स के अंदर, ओके बच्चा पार्टी चलते हैं आगे, अरे बोलते रहो क्या बोलती सर, पब्लिक, क्लियर है, एक नंबर सर, क्लियर है, आगे चला जाए, बिल्कुल देखो भाई कोई दिक्कत हो बोल देना भाई, आपका भाई यहाँ रेडी बैठा हुआ है, चलिए फोर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, बच्चा लोग ये सिंपल सी बात है, कहानी हो रही है क्या, इक्वेटोरियल प्लेन, अरे हाँ ना बोल दो यार, हाँ सर नहीं बोलोगे तुम, बोलेंगे अरे बोलेंगे बोल दो यार, सर, कंफर्म, सर तो चले आगे, सर, चलो बड़ा, तो बड़ा देखो ये नाम में लिखा हुआ इक्वेटोरियल, तो मेरे प्यारे यहाँ क्या होता है, देख सर देख यहाँ एक माइनस क्यू है सर, देखो आराम से बताओ, मैं आराम से देख बेटा, ये माइनस क्यू है, इसके बाद मेरे शेर प्लस क्यू है, अब शेर नहीं आने आएगी, डोंट वरी, ओके माइनस के बाद ऑलरेडी प्लस बैठ चुका है बेटा, है ना, आगे देख सर ये एक्सियल है, हाँ बिल्कुल है, और हमको जो डिस्टेंस लेनी है इस बार इक्वेटोरियल की बात करनी है, मतलब क्या इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो सर एक काम करते हैं अगेन सर, ये डिस्टेंस ए होगा और ये डिस्टेंस ए होगा सर, पक्की बात है, हाँ पक्की बात है सर, देखो एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, कर लो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ये मानी, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी, और ये डिस्टेंस जो आर मैंने जुम्मी आर डिस्टेंस में, ठीक है, तो अगेन माइनस क्यू प्लस क्यू, और पॉइंट चार्ज की खासियत तो यही होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक पॉइंट चार्ज का जिस पॉइंट आपको फील्ड निकालना है उससे डिस्टेंस होता है आर, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, अब चलो माइनस क्यू है तो पहले काम करो इसको पहले मिला लो आप, और इसको मिला लो, मिला लो ये मिला लिया, अब चलो ये पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सर, देखो ये आर है ये ए है सर जी, ये आएगा हाइपोटेनस आएगा, बोलो कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जितना, बोल हाँ है ना, हाँ सर, अब बेटा देख ये भी क्या आएगा, देख आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आएगा, सिंपल सी बात यही आना है, अब एक काम करते हैं हम लोग क्या करें बताओ सर, कुछ मत करो आप तो एंगल मान लो सर, देखो माइनस क्या करेगा पता है, माइनस इसको ऐसे खींचेगा, देखो माइनस इस तरफ फील्ड निकालेगा, हाँ, और प्लस क्या करेगा इसको अभी करेगा, ये पास आना दूर जाना दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन पर ही होते हैं, है ना, कहीं भी नहीं आएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थी इसी के अलोंग आगे गया है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही पास आया है, अब देखो ये पता है वैल्यू क्या होगी, इसको मैं एक यहां से हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये क्या आएगा e डी टू माइनस क्यू कितना आ जाएगा बताओ जरा सर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और सर सेम टू सेम ये कितना बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर बन जाएगा, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं देखो जरा सर, एक अपन लाइन ऐसे बना लेते हैं, बना लो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, और ये बना लिया ठीक है ना, अब एक काम करते हैं मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, जाहिर सी बात है जब ये वाला एंगल थीटा होगा ना तो
तो प्यारे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्यों होगा सर? ये वाली साइड बराबर है, साइड की कॉमन है तो ये सेम ही आएगा। सर ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा, कैसे? अरे जेड बन गया जेड, अरे बोलते हैं ना। हाँ सर बेटा ये थीटा है। अब देख ये कितना होगा सर, देखो ये सेम लाइन है सर, ये भी पता थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें इसको याद रखता हूँ। देखो जरा ये पॉइंट मेरा पी है, यहां पर मेरी एक फील्ड कितनी आई थी, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, परफेक्ट ये आया था, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया थे, ठीक है। और एक फील्ड मेरी ऊपर आई थी, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाई स्क्वायर आया था कि नहीं आया था बच्चों? देखो जे एंगल वही था, जे एंगल वही था, एंगल सेम था मेरे भाई। चलो अच्छा मेरे भाई, अब अगेन कंपोनेंट करते हैं। तो इस एक काम करता हूँ, इसको मैं ई मान लेता हूँ, ई इस ये पॉइंट पी है हमारा, इसको मैं ई मान लेता हूँ। जब इसका कंपोनेंट एक इस तरफ आएगा, दैट इज ई साइन थीटा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये क्या आएगा? ई कॉस थीटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे है ना। अब सेम टू सेम बड़ा इस ई के भी कंपोनेंट कर लो, कितना आएगा सर? ये आएगा ई साइन थीटा, ये भी आएगा, बहुत अच्छे। और ये आएगा मेरे प्यारे ई कॉस थीटा, ओहो क्या कहने। अब इससे क्या होगा मेरे प्यारे, ये e sin थीटा और ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा? वर्टिकल है अपोजिट भी, वो सेम इन वैल्यू है तो कट गया। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो इस तरफ आई, मतलब नेट फील्ड वैल्यू इस तरफ बन जाएगी। अच्छा सर, मतलब इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके जस्ट अपोजिट प्लस से माइनस। देखो ये डायपोल अपना ऐसे होगा पी है ना, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है, जस्ट अपोजिट आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। आगे चलते हैं बच्चों, प्रूफ करते हैं उसको। तो अपना ई नेट बच्चों कितना आ गया? ई नेट आ गया अपना ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मतलब इट विल बी टू ई कॉस थीटा। अब बताओ ई का वैल्यू क्या था? ई था हमारा टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा तो मैंने माना है, मुझे कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। सर देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ही बनेगा बेस, और ये हाइपोटेनस, तो कॉस क्या बनेगा बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज ए, हाइपोटेनस इज ए, क्या बोलोगे? तो ये मिलेगा 2kq अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बेस कितना बच्चों? a है, कितना है हाइपोटेनस बच्चों? ये है, बोलो हाँ ना। अब मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर डायरेक्टली क्या बोलेंगे, ये q into 2 will be momentum, कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंट, हां kp हो गया ऊपर की तो। नीचे क्या मिलेगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर, सर ये पावर 1, ये 1/2, ये बनेगा 3/2, पक्की बात है ना? चलो अब सेम टू सेम कहानी यहां भी लग जाएगी, बोलो क्या? सर a स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा है, a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो पता क्या मिलेगा आपको? e नेट मिलेगा, इसको बोलते हैं e इक्वेटोरियल। क्या मिलेगा? देखो देखो सर मिलेगा kp / r क्यूब मिलेगा, बोलो कैसे? ये r स्क्वायर है, ये 0 हो गया, ये 3/2 आएगा, तो r क्यूब बनेगा, मतलब e नेट हमारा ये हो गया। और पता है इसकी डायरेक्शन कहां से आई? प्लस q2 - q अपोजिट टू द, किसके अपोजिट? अरे बोल दो, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। ओके प्यारो, बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक्सियल अपॉन इक्विटोरियल क्या होता है? देखो एक्सियल कितना था, इसका जस्ट डबल था, इक्विटोरियल क्या हुआ? ये आया, और अगर डिवाइड देंगे तो 2 रेशो बनाता है, तो आप कहानी को आप समझ सकते हैं। चलो बच्चों बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम में छिपा हुआ है। अब बच्चों जब मुझे कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वो डिपेंड करता है आप किस को दे रहे हैं, किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ मुझे चार्ज करना है डिस्ट्रीब्यूट, है ना? तो बेटा हमारे पास 3 चीज होती है, एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। ऐसा मैंने क्यों, आप सर बोल सकते थे आपने एक ही चीज का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास बॉडी अलग अलग तरह की होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। जब 1D मतलब एक तार मान लो, एक तार पर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लैम्डा आता है, जब एक सरफेस पे आपको चार्ज देना होगा तो सिग्मा आएगा, जब एक पूरे स्पेस में मतलब वॉल्यूम में आपको चार्ज देना होगा तो रो आएगा। तो लैम्डा क्या होगा? इट विल बी क्यू बाय एल, आपने एक लेंथ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज लैम्डा। सिग्मा क्या होता है? दैट इज क्यू बाय ए, आपने एक सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, और रो होता है क्यू बाय वॉल्यूम, आपने एक वॉल्यूम पर एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया।
अब इसकी यूनिट क्या बनेगी बताओ, कूलाम पर मीटर बनेगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर बनेगी और कूलाम पर मीटर क्यूब बनेगी। डायमेंशन की बात करूं तो उसकी क्या बनेगी, देखो मास जीरो है, एल माइनस वन, चार्ज की होती है ए वन टी वन, यही आएगी। इसकी बात करूं एम जीरो एल माइनस टू टी वन ए वन, इसकी बात करूं एम जीरो एल माइनस थ्री टी वन ए वन। बच्चा लोग आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चा लोग क्लास को हम यही करते हैं विराम, लेके प्रभु का नाम मिलेंगे। बच्चा लोग हम कल मिलने वाले हैं, बच्चा लोग कल मिलेंगे गाउस के लॉ के साथ जो काफी मुझे इंपॉर्टेंट है। और जिन प्यारे मेरे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चा बाड़ी, बाय, टेक केयर।